हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? मैं समझता हूँ ठीक ठाक मज़े में होंगे। मैं आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आप लोग ठीक ठाक मज़े में होंगे। ये जो है विंडो एसी गैस चार्जिंग करना था, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सबसे पहले इसको सर्विसिंग करें, लेकिन मैं थोड़ा सा इमरजेंसी काम था तो सर्विसिंग नहीं कर पाया। अभी चार्जिंग गैस चार्जिंग करके अभी इसकी मैं सर्विस करूँगा। अभी दोस्तों, अगर ये रूम में जाए, अगर चेक करें कि ये कंप्रेसर ख़राब है या गैस का इशू है, अगर ना समझ में आए, अगर नए नए हैं नहीं समझ में आ रहा, तो सबसे पहले एम्पियर लगा करके चेक कर लें एम्पियर से। ये यहाँ पे पहले फैन को चालू करेंगे, फिर कंप्रेसर ऑन करके देख लेंगे कि कंप्रेसर ऑन हो रहा नहीं हो रहा। कंप्रेसर ऑन करते समय ये एम्पियर मीटर ज़रूर लगा लेना, उससे हमारा पता चल जाएगा। अगर गैस का इशू रहे तो मतलब ये सब कुछ चाहिए कि कंप्रेसर बंद करके रखे हैं। बंद करने से क्या होता है, ये हम फिर वो कंप्रेसर ख़राब नहीं होगा। 80% ख़राब होने का इशू यही होता है कि गैस ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादातर ख़राब इसी में होता है। तो ऐसी गलती ना करें। चलो तो हम इसको फैन को फैन पे चालू करके छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कंप्रेसर पे हम नहीं रखेंगे। तो विंडो हो चाहे स्प्लिट हो, कोई भी एसी हो, अगर गैस ख़त्म हो जा रही है तो हमें ये एसी को नहीं चालू करना है। तो चलो, वैक्यूम हो चुका, हमने ऑलरेडी 25 से 30 मिनट तक तकरीबन कर चुके हैं। तो अब चलो करते हैं गैस चार्जिंग। अब दोस्तों, पहले ये वाल्व को हम बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद दोनों देख लेना अच्छे से बंद हो, फिर उसके बाद हम इसको खोलेंगे। कंप्रेसर को पहले काम बंद कर देंगे, कंप्रेसर का काम ख़त्म। तो ये अभी ये सिलेंडर में लगाएंगे, गैस को ओपन कर देंगे, फिर उसके बाद सबसे पहला काम एयर को निकालना रहेगा। हाँ, एयर निकाल के फिर उसके बाद वैक्यूम छोड़ेंगे। हाँ, ये इंतज़ार करेंगे, थोड़ा इंतज़ार करके फिर उसके बाद 1 मिनट थोड़ा सा इंतज़ार ही कर लें, अच्छा रहेगा। गैस जहाँ जहाँ पहुँचती है पहुँच जाएगी, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो हमने दोस्तों फैन को चालू रखा, अभी देखो ये एम्पियर मीटर भी लगा रखे हैं। अब कंप्रेसर को करेंगे ऑन। ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, देखो 8 के आसपास ले रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर, धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे तो फिर ऊपर जाएगा। अब दोस्तों गैस थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कहाँ तक हीट जा रहा है हमारा कंप्रेसर, कहाँ तक गर्म हो रहा है। तो गैस बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। हाँ, और ठंडक कहाँ शुरू हुई, कूलिंग कॉइल पे चेक करते रहें, स्टार्टिंग हो गई कूलिंग की नहीं हुई, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। और दोस्तों बढ़ाते रहेंगे, हाँ, और चेक करते रहेंगे। हमारा देखो ये अभी धीरे धीरे यहाँ तक गर्म आधा तकरीबन हो रहा, यहाँ तक पहुँच चुका है। अभी धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। और जल्दीबाजी, थोड़ा जल्दीबाजी भी करना, बहुत लेट भी नहीं करना है। तो इतना भी जल्दी नहीं करना कि कंप्रेसर चलना ही बंद कर दे। तो थोड़ा 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 बढ़ाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। कंप्रेसर भी देख लो हीट हो रहा है, क्या हो रहा है, कूलिंग कॉइल आगे चेक करेंगे कि कहाँ तक ठंडा हुआ कहाँ तक नहीं। तो देखो इसकी कंडीशन है ख़राब, सर्विसिंग पहले करना था, ये हमने गलती किया, लेकिन थोड़ा जल्दी का काम था। अभी हम गैस चार्जिंग करके अभी इसको करेंगे सर्विस। हाँ, तो ये अभी ठंडक शुरू हो गई है, लाइन पर आना शुरू हो गया, फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ये गैस थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, बहुत जल्दीबाजी भी नहीं करना, बहुत लेट भी नहीं करना, फिर कंप्रेसर हीट होने लगेगा। 9 एम्पियर और 9.65 ले रहा है एम्पियर हमारा। ऐसे देखो ये खाली ये लाइन दिखा रही होगी, ये वाली दिखा रही होगी, ये दिखा रही होगी, लेकिन ये ठंडा ये भी हमारा हो रहा है, हो चुका है। अभी थोड़े देर के बाद में वो पूरा आ जाएगा। हाँ, तो गाइस देखो ये अभी हमारा समझ जाओ, बस थोड़ा दबा के अब कम्प्लीट ही समझो। हाँ, तो थोड़ा सा अब चालू रहने देंगे, चालू करके लास्ट में हम थोड़ा हिसाब से डालें, लास्ट में हम तो डालेंगे थोड़ा हिसाब हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, इसलिए कि गैस ज़्यादा हो जाएगी फिर प्रॉब्लम दूसरी आ जाएगी। तो दोस्तों देखो आइस जो आ रही, तो आइस ख़त्म हो चुकी है। चेक करेंगे यहाँ पे रिटर्न आ रहा नहीं आ रहा, रिटर्न जब आने लगे समझ जाओ हमारी गैस ओके हो गया है, एम्पियर देख लें बराबर है। हाँ दोस्तों देखो ये
ये धीरे धीरे समझ जाओ, हो गया अभी इसका हल्का हल्का, देखो ये ठंडा हो रहा है। बाहर इतना टेम्परेचर ये ज़्यादा है ना, वो अंदाज नहीं लग रहा कि कितना ठंडा हुआ, रिटर्न कैसा आया, लेकिन ठंडा आ चुका है। तो बस अब गैस को नहीं बढ़ाएंगे, बस इसी पे थोड़ा सा चलने देंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे बंद। हाँ तो दोस्तों अब ये समझ जाओ हमारा ये कंप्लीट हो गया, देखो रेगुलेटर भी ठंडा हो गया। मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी, जाके देख सकते हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू। फिर इसके बाद जो है ये ट्रिप होना शुरू हो गया।